हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे assertion reason question की चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड माय नेम इज गौरव शर्मा, यू आर वेलकम हियर। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे assertion reasons question की, जो कि आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से बने हैं। assertion reason, मैंने देखा है बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि सर सही जवाब कौन सा होगा, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसी बनेगी, ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सर ए और बी वाले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार ये नहीं पता रहता कि कौन सा स्पेसिफिकली उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हमें जानना है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के हम लोगों ने वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के बना चुके हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिसी बेस्ड क्वेश्चंस को, उसके अलावा माइंड मैप बच्चों चैप्टर के कॉम्पिटिसी बेस्ड क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूँ तो लाइक एमसीक्यूज की ऑलरेडी आपके पास जो है वो कई सारे वीडियोज जो है वो बने हुए हैं। उसके अलावा assertion reason based question, case study based question आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपके आई बटन पे जाके आप क्लिक कीजिए बच्चों, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीजें बच्चों मिलने वाली, और सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, हर एक चैप्टर की बच्चों, राइट। एंड उसके अलावा 2 marks wise question, चैप्टर वाइज 3 marks वाइज फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, 5 marks क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, आपके प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं, आपके अपकमिंग बोर्ड्स में कैसे हेल्प करेंगे आपको, ये सारी चीजें बच्चों आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिप करने पे मिलने वाली है। तो चलिए अब बिगिन करते हैं, अब अपनी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, देखते हैं किस तरह के सवाल जो है वो इससे बन सकते हैं। देखिए अगर सबसे पहले हम देखें तो कुछ गेम के कुछ रूल है, assertion reason को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स है बच्चों हमारे पास, और जानते हैं कि वो क्या है। In the following question, that there are some statement, we know that, and the following statement of the reason mark, which is represented by the R, the reason, and the assertion which is represented by the A. So, both assertion and reasons are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. तो A होगा, अगर दोनों ही सही हैं और correct explanation है तो A होगा, दोनों सही हैं लेकिन correct explanation नहीं है तो option B होगा, right? Both the assertion and the reasons are the true, but the reason is not the correct explanation of the assertion, then we will go with the B. Whereas the assertion is true but the reason is false, we'll go with C. And the ultimately the assertion is false and but the reason are true, the reason is true, then we will go with the option number D. So game ke rule aap log samajh chuke hain, let's begin with the first question kids. Sawal jo hai yahan pe hamara, pehla sawal hai phototropism. Assertion hai yahan pe, phototropism is a directional growth of the movement. Phototropism is a directional growth of the movement. क्या directional growth के अंदर आता है? बिल्कुल आता है जी। तो यानी कि ये statement तो हमारी यहाँ पे सही है, directional है। Tropism का मतलब होता है movement. It occurs in the direction of light. देखो photo का मतलब होता है light. Photo का मतलब होता है light. तो इसका मतलब दोनों statement जो है यहाँ पे सही है, और उसको कहीं ना कहीं वो represent भी करता है क्योंकि directional movement है, और कैसी direction है? Growth की तरफ, light की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये उसके सही आंसर को बच्चों रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ भी जा रहा है, तो मैं जाना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, हेंस इट इज आल्सो नोन एज बाय द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट एज वेल। सही जवाब जो है बच्चों यहाँ पे हमें उसका एक मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑटोमैटिक एंड रैपिड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं भी, एंड ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि ऑटोनॉमिक होते हैं, बेसिकली ऑटोनॉमिक होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। बच्चों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, कई रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो ब्रेन जिसमें इन्वॉल्व करता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं और आप लोगों के सिलेबस में क्लास 10th में आप उनके बारे में नहीं पढ़ते। हाँ क्लास 11th में कभी आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ कुछ एक्सचेंज के बारे में डील करोगे, लेकिन अभी के लिए कैसी स्टेटमेंट बनेगी? फॉल्स बनेगी, क्योंकि आप लोगों ने तो सिलेबस में अपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब एक सही दूसरा गलत, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन कौन सा था? ऊपर सही है नीचे गलत, assertion सही है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। तो चलिए नजर मारते हैं जरा, हमारा जो है बिल्कुल सही है assertion, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा, assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। रिफ्लेक्स एक्शन आर द ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक रैपिड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड दीज एक्शन आर द कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड नॉट बाय द ब्रेन। ठीक है जी, ब्रेन के थ्रू कंट्रोल यहाँ पे नहीं होते बच्चों। ये हमें समझना है कि हमारे सिलेबस में कौन सी बात कही गई है और कौन सी बात नहीं कही गई, उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाब देना है। assertion कहता है अगले सवाल का कि यूनिट्स विच मेकअप द नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स।
यूनिट विच मेकअप द नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड द न्यूरॉन। बच्चों इस स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही है, क्योंकि नर्व सेल जो होती है या जिसे हम न्यूरॉन का नाम देते हैं, वो क्या करती है, वो हमारा ये फॉर्मेशन करती है इसका टिश्यू का। रीजन क्या है? रीजन कहता है नर्व इंपल्सेस आर कैरिड बाय डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं बन रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डेंड्राइट्स जो स्टिमुलाई को लेती हैं वो आगे जाके सेल बॉडी की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन उन दोनों स्टेटमेंट का कोई लिंक नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहूंगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि लिंक प्रॉपरली नहीं बन रहा है। तो यही है हमारा, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम कंडक्टिंग टिश्यू रिसीव्स द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। इट इज इन्वॉल्व इन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन लाइक द सेंसेशन। आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपने लाइट की तरफ देखा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो एंड जनरेटिंग रेस्पॉन्सेज टू दैट इन्फॉर्मेशन विद टुवर्ड्स द मोटर रेस्पॉन्स। दिस यूनिट विच मेकअप द नर्वस सिस्टम विच आर कॉल्ड द नर्व सेल्स और सिंपली न्यूरॉन्स एज वेल। नर्व इम्पल्सेज आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द सिनेप्सिस विच इज सिनेप्स विच इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, राइट, from the axon terminals of one neuron to the dendrite cell of the cell body and then to the next neuron. So dendrite se cell body mein, cell body se long fiber axon, axon se axon terminal ya nerve ending jise hum synapse ke naam se jante hain, wahan se next neuron mein transmit hogi, to yahi pathway jo hai iska chalta rehta. To hamara jawab jo tha bilkul sahi hai bachcho yahan pe. अगले सवाल पे बढ़ते हैं, तो प्लांट से रिलेटेड है। यहाँ पे assertion कहता है abscisic acid is responsible for विल्टिंग ऑफ लीव्स। एब्सेसिक एसिड बेसिकली यहाँ एक तरह का इनिबिटर होता है बच्चों, जो कि ओपोज करता है ग्रोथ को, है ना। तो ये ग्रोथ हो गया तो उसके बाद वो विल्टिंग का काम करता है, उसको गिराने का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन कहता है यहाँ पे इट इज ग्रोथ इनिबिटर। बिल्कुल जी, ग्रोथ के ऑपोजिट काम कर रहा है, उसको इनिबिट कर रहा है, उसको रोकता है, तो ये भी सही है। और कहीं ना कहीं ये इनिबिटर वाली बात इस चीज को रिलेट भी कर रही है। तो बच्चों ऐसे पहचानते हैं हम इसको कि assertion उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं वो इसी में फंसते हैं कि कौन सा होगा। दोनों सही है, ए के साथ जाए बी के साथ जाए, थोड़ा सा भी अगर आपको वो रिलेट करता हुआ दिख रहा है ना, आप आग बंद करके ए लगा दीजिए। ट्रस्ट मी, यही एक सही तरीका है बच्चों उसको करने का। यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है बच्चों जाना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारी वो सही है। ठीक से पढ़ना है स्टेटमेंट को, अच्छे से समझना है बच्चों, और जहां पे वो लिंक करती हुई देखे आपको, आप मैं कह रहा हूं उसका सही आंसर जो है वो लगा दो आंख बंद कर, थोड़े सा भी रिलेट करते हुए मिलता है लगा दो बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे मेल्स हैव मोर स्टैचू देन द फीमेल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। कहता है कि मेल स्टैचू का मतलब है कि यहाँ पे स्टैचू का मतलब है कि ज्यादा हाइट हमें देखने को मिल रही है मेल के अंदर। ये ठीक है, होता है, हमें देखने को मिलता है, स्टेटमेंट ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड ऑफ फीमेल्स। क्या ये थायरॉक्सिन की वजह से होता है? लेकिन बच्चों हाइट का जो रिलेशन है वो तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो फॉल्स बन जाएगी, क्योंकि स्टेचर जो होती है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? हाइट को। तो इसका रिलेशन थायरॉक्सिन से नहीं है, क्योंकि ये तो बेसल मेटाबॉलिक रेट्स में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में अपना रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में अपना रोल प्ले करता है ये, है ना जी। जितनी भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जैसे फैट का डाइजेशन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन अगर होता तो हम समझते। तो ये सी ऑप्शन जो है मैं उसके साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे, राइट। एक सही है दूसरा गलत है, बिल्कुल ठीक है जी। सो मेल हैव मोर स्टेचर देन द फीमेल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन, राइट। ये भी है, दूसरा ग्रोथ हार्मोन भी अपना रोल प्ले करता है विच इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन द मेल। Testosterone controls the development of the secondary sexual characters as well in the males, ठीक है। Females में estrogen, progesterone के बारे में बात करते हैं। Thyroxine increase करता है metabolic rates को, यहाँ पे हम metabolic rate के बारे में बात करते हैं जब हम thyroxine की बात करते हैं, इसलिए हम option number C के पास जा रहे हैं। एक सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो ये आपको link करना है, और कि अगर मैंने बोला ना कि अगर नहीं link कर रहा है तो वो सीधा सीधा गलत है बच्चों, link कर पा रहा है तो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा assertion, the effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to the that of the stem. The effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to the that of the stem. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। auxin hormone increases the rate of growth in root and decreases the rate of growth in stem. बच्चों इसके स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। देखो सही बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही लिखी हैं कि ये एक्चुअली ये वाली तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली जो है उसके ऑपोजिट है, कि जो इफेक्ट है ऑक्सिन हार्मोन का ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द स्टेम। बिल्कुल ठीक है, एक ऊपर बढ़ रहा है एक नीचे बढ़ रहा है,
ऑक्सिनोर्मर इंक्रीजेज द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेम, ऐसा नहीं है, वो उसका ऑपोजिट हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है बच्चों यहाँ पे जाएंगे। अगला यहाँ पे जो पूछा गया है सवाल है यहाँ पे assertion, इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इंसुलिन जो है हमारे बढ़े हुए शुगर लेवल को बच्चों कंट्रोल करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ब्लड शुगर लेवल जो हमारा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन ही उसे कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करता है। इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल क्रॉस डायबिटीज, बिल्कुल ठीक है। अब देखो डायबिटीज आ गया, शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखा रहा है, वहां पर रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं और उसके साथ लिंक कर रहा है वो, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है बच्चों वो सही जा रही है। मैं इस स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि वो नीचे वाली स्टेटमेंट उसके साथ लिंक कर रही है, बिल्कुल सही। तो अगर थोड़ा सा भी हमें लिंक करता हुआ मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों, नर्व इंपल्सेस। एसर्शन कहता है नर्व इंपल्सेस इज अ वन वे कंडक्शन, बिल्कुल जी। डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल, देन नेक्स्ट न्यूरॉन, बिल्कुल ठीक है। नर्व इंपल्सेस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट टू द एक्सॉन टर्मिनल। देखो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन बीच में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे डेंड्राइड से, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डेंड्राइड से किस तरफ जाएगा, वो सेल बॉडी की तरफ मूव करेगा, तो बीच में सेल बॉडी नहीं है, उसके बाद जाके वो कहीं एक्सॉन पर जाएगा और उसके बाद जो पोजिशन आएगी वो टर्मिनल की आएगी, है ना जी, ये पॉइंट हमें समझना है। तो बीच में मिसिंग है, तो यहाँ पे सेल बॉडी अगर हो जाए तो सही होता बात, तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट मैं फॉल्स की तरफ लेके जा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। नर्व इंपल्सेस आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ सिनेप्स फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट और द सेल बॉडी ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, बट नेवर इन द रिवर्स डायरेक्शन सिंस द न्यूरोट्रांसमीटर विच आर द केमिकल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एक्सॉन टर्मिनल विच इज कॉल्ड द सिनेप्स वेयर दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कन्वर्टेड इनटू द chemical impulses for the few time period and not in the dendrite or the cell body, it cannot be released from the dendrite or cell body even if the impulses reaches there. to ye point hame acche se yahan pe bachcho samajhna hai. agle sawal ki taraf hum log badhte hain yahan pe, aur sawal hai agla hamara jo assertion kehta hai ki our body maintains blood sugar level, ki hamari body maintain karti hai blood sugar level ko, to aap kahenge ki sir body ko dekhe ya blood ko dekhe ki hamare blood ke andar blood sugar level jo hai wo maintain hota hai, bhai hai to wo body ke andar hi, theek hai, तो इसका मतलब ये ठीक है। पैनक्रियास सिक्रीट करती है किसे, इंसुलिन को, यहां तक ठीक है बात। विच हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है, बच्चों दोनों सही है और वो उसको रिलेट कर रहा है, तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे जाना चाहूंगा। देखो थोड़ा सा भी रिलेट करेगा तो हम जाएंगे बच्चों उसके साथ, वही चीज यहाँ पे आपको बताई भी गई है, थोड़ा सा रिलेट कर रहा है तो आप ए के साथ जाइए बच्चों, नहीं थोड़ा सा भी नहीं कर रहा तो बी के साथ आइए, अगर एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ी सी भी बात वहां पे नहीं दिख रही तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एसर्शन कहता है साइटोकाइनेंस आर प्रेजेंट इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ये बिल्कुल ठीक है, एसर्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक बन रहा है बच्चों, ट्रू बन रहा है। साइटोकाइनेंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द सेल डिवीजन, ये भी ठीक है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन उससे उसका कोई रिलेशन लिंक नहीं बन पा रहा ठीक से, है तो ये भी ठीक, मुझे कोई ऐसी लाइन वर्ड नहीं दिखा इसमें जो उसके साथ, या तो वो बताता कि ग्रोथ कैसे कराता है, सेल डिवीजन किस पार्ट में कराता है, स्पेसिफिक किस पार्ट में रीजन है, तब हम समझते। तो एक सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही, तो मैं बी के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे। साइटोकाइनेंस हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं सेल के डिवीजन को, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन साइटोकाइनिन हमें फ्रूट सीड्स में देखने को मिलती है, ठीक है ये, राइट बच्चों। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया हो, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा हो और मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की हो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में और आपकी बोर्ड की तैयारी को और बेहतर बनाने में। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।